दिवाली ऑफर कैरल एकेडमी लाया है दिवाली ऑफर, जिसमें आपको कोर्स मिलेगा फ्रॉम 1-2-9 से अप टू 80% ऑफ रहेगा मैक्सिमम कोर्सेस पे। अगर आप जाओगे वेबसाइट पे या ऐप पे तो आपको मैक्सिमम कोर्सेस पे अप टू 80% ऑफ देखने को मिलेगा। कुछ प्राइजेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि IIT JEE 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो लाइव कोर्स है वो 1999 में मिलेगा, जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो 1499 में मिलेगा, और जो टेस्ट सीरीज है 1299 में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे CSIR नेट कोर्सेज की तो लाइव कोर्स अगेन आपको 1999 में मिलेगा, दिसंबर 2024 का कोर्स है, कीप इन द माइंड। ठीक है, 1499 में रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा और रेफरेंस बुक इस सीरीज मिलेगी 1299 में। सेम अगर आप गेट की बात करोगे, नेट प्लस गेट की बात करोगे तो 2100 में आपको लाइव कोर्स मिलेगा, रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा 1699 में, और रेफरेंस बुक टेस्ट सीरीज नेट प्लस गेट दोनों की 1699 में मिलेगी। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे सिर्फ नेट की रेफरेंस बुक टेस्ट सीरीज की तो रेफरेंस बुक टेस्ट सीरीज आपको नेट की मिलेगी 1299 और गेट की भी 1299, नेट प्लस गेट की 1699 में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करोगे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच की तो इसपे भी धमाकेदार ऑफर आपके स्टार्ट है 1699 एज वेल एज आपके आपके इसमें नेट प्लस गेट का 1999 में आपको कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे नेट के लिए अगर बात करोगे तो नेट में लाइव कोर्स जो होगा वो आपको मिलेगा 1999 में, साथ साथ आपको बता दूं रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा 1499 में, और रेफरेंस बुक्स टेस्ट सीरीज जो न्यू टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 1299 में। थैंक यू सो मच। अभी आप एंजॉय कीजिए बायो इनऑर्गेनिक का लेक्चर। तो आपको शॉर्टकट में मैंने जो समझाया था आयरन प्लस पोरफिरिन, इसको हम लिखेंगे PFE। PFE का मतलब होता है ये बीच वाला व्हाइट कलर का जो पार्ट है आयरन और उसके साइड में पोरफिरिन रिंग, इसे हम लिख रहे हैं PFE। अभी ग्लोबुलर प्रोटीन चेन नहीं है ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्मली ये जो आयरन है जब तक ऑक्सीजन नहीं आता तब तक ये आयरन होता है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब तक ऑक्सीजन नहीं आता, यहाँ पे बस एक बार लिखवा के देती हूँ मैं आपको, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है उस हीमोग्लोबिन में, आयरन है Fe प्लस टू में। ठीक है, आयरन क्या है Fe प्लस टू में। So, यहां मैं आयरन के ऊपर दो लिख रही हूं। अब ग्लोबुलर प्रोटीन चेन नहीं है यानी कि ये जो PFE और उसके ऊपर आपने प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है ये इमीडिएट कॉन्टेक्ट में होगा अनादर Fe2P, यानी कि ये चार सब यूनिट्स जो है ये भी इमीडिएट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। यहाँ पे ऊपर के दो होंगे, ये नीचे के सारे सब यूनिट इमीडिएट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। तो चलो देखते हैं उनका मैकेनिज्म कैसे है हीमेटिन फॉर्मेशन का। सो पोरफिरिन है, आयरन है, ऑक्सीडेशन स्टेट टू है। सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे बाइंड करेगा, देखो यहाँ पे PFe O डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू ही है। ठीक है, अब अगर ये इमीडिएट कॉन्टैक्ट में है नेबरिंग हीम ग्रुप के, तो यहाँ पे मैं कैसे लिख रही हूँ ध्यान से देखो, हमारा जो ये PFe ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, O डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आ जाएगा जो नेबर वाला हीम ग्रुप है FeP ऐसे। तो ये दोनों मिलके अभी क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, आउट ऑफ टू बॉन्ड एक बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा और वो आयरन के साथ ज्वाइन होगा, मतलब ये PFe एज इट इज। यहाँ पे O डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये दूसरा हीम ग्रुप आ गया। जब भी ये जो ऑक्सीजन है ये अगर सिंगल बॉन्डेड है आयरन के साथ तो वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट एक से बढ़ा देता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी आयरन की, प्लस टू थी। ये जो ऑक्सीजन है ये O डबल बॉन्ड O में था, अगर ये O सिंगल बॉन्ड O में है मतलब यहाँ पे आयरन हो जाएगा आपका प्लस थ्री। प्लस थ्री कैसे लिखोगे, ऐसे। ये बस एक ट्रिक याद रखो आप, O डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन अगर आयरन को अटैच है तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है।
ओ सिंगल बॉन्ड ओ वाला ऑक्सीजन अगर आयरन को अटैच्ड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 हो जाएगी, और ये जो कंपाउंड बना इसे बोलते हैं म्यू पेरोक्सो डाइमर, म्यू पेरोक्सो डाइमर। सेकंड स्टेप हो गई, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अभी थर्ड स्टेप क्या होती है, देखो ये डाइमर जो है ये बीच में से टूट जाता है। उस डाइमर को मैं दोबारा लिख रही हूं, ये से बीच में से टूट जाएगा और यहां दो ग्रुप्स बनेंगे, ये और ये, ऐसे दो ग्रुप्स बनेंगे। दो ग्रुप्स अगर बनेंगे तो ऑक्सीजन तो बायवेलेंट है, तो वो फिर से क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड तैयार करेगा। तो ये दो ग्रुप्स बनेंगे ऐसे। तो पहले ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, आयरन की प्लस टू थी। अब अकेला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तैयार कर रहा है, जिसके कारण ये प्लस 3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पहले दो ऑक्सीजन बीच में थे, अभी बीच में से वो बॉन्ड टूट गया, एक ऑक्सीजन एक आयरन की तरफ, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे आयरन की तरफ, यानी ये दो ग्रुप्स बन गए, दो PFE डबल बॉन्डेड O ग्रुप बन गए। तो एक आयरन जो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अभी वो और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड तैयार कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। एक्स्ट्रा बॉन्ड तैयार करना है तो आयरन को अपना एक इलेक्ट्रॉन और यूज करना पड़ेगा, तो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो गई प्लस 4 में, समझ रहे हो। सो इसे बोला जाता है फेराइल कॉम्प्लेक्स। ये है आपका फेराइल कॉम्प्लेक्स। यहां तक कुछ डाउट होगा तो बताओ। कुछ डाउट है? सो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इन फेराइल कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन होता है। सेकंड, कमेंट देखने दो मुझे। एक ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, कहाँ पे? नहीं, वो बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो अटैच्ड है, वो अटैच हो गया है आयरन को, वो बॉन्ड नहीं बना रहा है। यहाँ पे वो बॉन्ड बना रहा है, ये बस अटैचमेंट है उसकी आयरन के साथ। ठीक है, ये समझ लो बात। ये जो O2 मॉलिक्यूल है ये अटैच हुआ है आयरन के साथ, अभी उसने बॉन्ड नहीं बनाया। ठीक है, सो यहाँ पे उसने बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड अगर बना लिया तो आयरन ने इलेक्ट्रॉन को यूज किया, इलेक्ट्रॉन को यूज किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 से प्लस 3 बन गई। ध्यान से सुनो ये बात, ठीक है। बॉन्ड भी होगा तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन जो बना रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होगा। वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को नहीं यूज कर रहा है, आयरन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं यूज कर रहा है ऑक्सीजन के साथ अटैच होने के लिए। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन यहां से देखो आप, ये फेराइल कॉम्प्लेक्स है। अब फेराइल कॉम्प्लेक्स का आगे जाके क्या होता है, तो ये है हमारा फेराइल कॉम्प्लेक्स जिसमें आयरन प्लस 4 में है। अब फेराइल कॉम्प्लेक्स आता है नेक्स्ट हीम ग्रुप के कॉन्टैक्ट में। अभी हमने दो हीम ग्रुप का कॉन्टैक्ट लिखा, ये पहला हीम ग्रुप था जिसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच था, फिर उसके कॉन्टैक्ट में ये दूसरा हीम ग्रुप आ गया। अब फिर इनके कॉन्टैक्ट में आता है तीसरा हीम ग्रुप, ये है तीसरा हीम ग्रुप जहां पे आयरन प्लस 2 में है। अब बीच में ऑक्सीजन, इस साइड एक हीम ग्रुप, इस साइड एक हीम ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक हीम ग्रुप है, यहाँ पे एक हीम ग्रुप है। अब ये जो प्लस 2 वाला था ये ऑक्सीडाइज होता है प्लस 3 में, क्योंकि वो अभी बॉन्ड बना रहा है।
ये आयरन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, तो ये प्लस टू से कन्वर्ट हो गया प्लस थ्री में। अभी ये वाला आयरन जो डबल बॉन्ड बना रहा था तो इसने एक बॉन्ड कम किया, सिंगल बॉन्ड किया, तो जो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो जाएगी, प्लस थ्री हो जाएगी। इसे बोलते हैं म्यू ऑक्सो डाइमर, बीच में ऑक्सीजन है तो ये हो गया म्यू ऑक्सो डाइमर, और इसी को बोला जाता है हीमैटिन। मतलब क्या, जो हमारे ये चार सब यूनिट्स थे हीमोग्लोबिन में, जिसमें बीच में आयरन और पोर्फिरिन रिंग, आयरन पोर्फिरिन, आयरन पोर्फिरिन, आयरन पोर्फिरिन, सो ग्लोबुलर प्रोटीन चेन अगर नहीं है तो ये वाला हीम ग्रुप डायरेक्टली इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ये वाला डायरेक्टली इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, और फाइनली वो हीमैटिन नाम का कंपाउंड तैयार करेगा। ये हीमैटिन नाम का कंपाउंड क्या होता है, ये होता है म्यू ऑक्सो डाइमर, और ये कंपाउंड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, दिस कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन, दिस कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन। मतलब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई, सो नाउ हीमोग्लोबिन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन, अभी ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, सो हीमोग्लोबिन की ओ टू कैरी करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि ये जो हीम ग्रुप है ये डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गए। अब ऐसा एक्चुअल में नहीं होने देती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन, ये जो हमने ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन ड्रॉ की है ये क्या करती है, शील्डिंग देती है, हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट देती है, और इनको एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देती, जिसकी वजह से ये हीमैटिन फॉर्मेशन जो है ये रुक जाता है और हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन कैरी कर सकता है। तो हम ये जो सीख रहे थे हीमैटिन फॉर्मेशन जो सीख रहे थे, ये किस लिए सीख रहे थे कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन का रोल क्या है, हम एक्चुअल में क्या सीख रहे थे यहाँ पे, रोल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन। तो क्या सीखा आपने, रोल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन, तो क्या रोल है ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन का, इट प्रिवेंट द हीमैटिन फॉर्मेशन, इट प्रिवेंट द हीमैटिन फॉर्मेशन, ठीक है, इट प्रिवेंट्स द हीमैटिन फॉर्मेशन, दिस इज रोल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन। अब आप बोलो कि मैम इसका एग्जाम में यूज क्या है, सो प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, देखो राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन फर्स्ट थिंग हीमैटिन, सेकंड थिंग म्यू पेरोक्सो डाइमर, एंड थर्ड थिंग फेराइल कॉम्प्लेक्स। चलो बताओ मुझे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों का आंसर बताओ, ये प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, सो कमेंट में बताओ अभी जो हमने लिखी है रिएक्शंस उसके बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ आयरन की इन तीन कंपाउंड्स में, कमेंट में चेक कर रही हूँ। ग्रेट, थ्री थ्री एंड फोर, ग्रेट, विदाउट प्रोटीन होगा तब हीमैटिन बनेगा, विदाउट प्रोटीन चेन होगा तो हीमैटिन बनेगा, हाँ जी, दिस इज रोल ऑफ हीमैटिन प्रोटीन चेन, दिस इज रोल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन चेन कि वो हीमैटिन फॉर्मेशन नहीं कर देता है। कुछ लोग बोल रहे हैं मैम फेराइल कॉम्प्लेक्स हीमैटिन है क्या, नहीं, फेराइल कॉम्प्लेक्स ऊपर वाला है, देखो ना मैंने लिखा है नाम, ये फेराइल कॉम्प्लेक्स है, ये जहाँ पे PFE डबल बॉन्ड O होता है, P
PFE सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड FEP, दिस इज म्यूक्सो डाइमर, ये हिमेटिन है, नाम याद रखो। तो इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी पूछने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे रिमेंबर करने हैं मैंने बता दिया है आपको, ओके। सो हिमेटिन फॉर्मेशन हो गया,